कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, विच इज द सिक्स चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी सेम सिक्स, और आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का आपको सेम सिक्स का सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंडर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन इन दो कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है इंडेक्स कि इस पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है एक्चुअल में, उसके डेफिनेशन, ठीक है, एंड देन आपका उसे देखने का मतलब डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे डिवाइड किए गए ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, इंटरनेशनल व्यू पॉइंट और रिजोल्यूशन व्यू पॉइंट में, ठीक है। तो इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस की मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे, ये पूरा एक प्रोसेस एक्चुअल फॉलो करते हैं। आफ्टर दैट नेगोशिएशन, उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी आती है दैट इज बार्गेनिंग स्ट्रेटेजीज। नेगोशिएशन मतलब भाव तोल करना, इसलिए यहाँ पे बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी लिखी गई है। दो तरीके की होंगी आपको दिखाई देंगी। आफ्टर दैट की नेगोशिएशन करने के भी प्रोसेस, मतलब भाव तोल करने के लिए कुछ अपने नियम कानून होते हैं। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप कुछ खरीदने जाओ, आपकी मॉम्स, मैंने सुना बहुत सारी लेडीज कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशलिस्ट होती है नेगोशिएशन, आई डोंट थिंक, बॉयज़ भी कर सकते हैं दोस्तों, मेरा फ्रेंड खुद करता है, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस सेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ आपको एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, कह सकते हैं लीगल प्रोसेस, कुछ एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू ये सब होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले। ये कोई भी पॉइंट आपका शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है ये बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड नेगोशिएशन में एक्चुअली थोड़ा सा नेगोशिएशन समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपने समझ लिया पढ़ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरा एक इंडेक्स था और अंत तक इस चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक झगड़ा, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है हिंदी में, नहीं बट यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या दिया गया, अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप जिस चीज़ की परवाह करते हो, अगर सामने वाला उस चीज़ को ही हर्ट करे, उस चीज़ को लेकर आपको हर्ट करे, ठीक है, आपको आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर अपने बारे में कोई ऐसा टैलेंट, कोई चीज़ की बहुत केयर है, ठीक, और आप बहुत उसकी कदर करते हो कि भाई मेरे पास मेरी फैमिली है, ठीक है, और किसी ने आपको फैमिली के नाम पे चिढ़ा दिया, ठीक है, कि तुम्हारे घर वाले तो ऐसे हैं, तुम्हारे मॉम डैड, बहुत एग्जाम्पल दे रहा छोटा सा, तो आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक नेगेटिव इफेक्ट देगा, तो आपके बीच में थोड़ा मतभेद हो जाएगा, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली। डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हो लिख लिख लीजिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा। और सेम चीज़ जो मैंने आपको कहा कि कॉन्फ्लिक्ट में बी ओपन एंड वायलेंट, वायलेंट मतलब ये लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर मारपीट तो आएगी ही आएगी वहाँ पे, ठीक है, तो वायलेंट, और इट मे टेक द फॉर्म ऑफ सबटल डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मतभेद। पीपल एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स रैंगिंग फ्रॉम इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ गोल्स टू डिसएग्रीमेंट्स ओवर एक्सपेक्टेड बिहेवियर टू डिफरेंसेज इन द वे फैक्ट्स आर इंटरप्रेटेड, मतलब कि आपने किसी से किसी एक तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया था बट वो उसके एकदम अपोजिट, उससे एकदम उल्टा बिहेव करता है आपसे, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत सारे रीजन होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के। यहाँ पे उसके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स है, परस्पेक्टिव सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट के, कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे देखने के नजरिए, प्रस्पेक्टिव मतलब सही है, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से ये कैसा होता है, ये तो उससे देखने के तीन नज़रिए हैं, ट्रेडिशनल, ओल्ड एज, जो कि एक्चुअली मोस्टली आपको नेगेटिव ही दिखेगा पूरे साइकोलॉजी में, ये हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच रखता है अपने पास, ठीक है। सेकेंड वन इज इंटरनेक्शनिस्ट, मतलब इंटरनेक्शन हो, इंटरेक्शन होगा ऑब्वियसली नाम लिखा गया। थर्ड है रिजोल्यूशन फोकस, यानी कि यहाँ पे हम लोग किस चीज़ में फोकस करते हैं, भाई चलो भाई झगड़ा हो चुका है बट हमें सॉल्व करने में, हमें वजह नहीं ढूंढनी है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। कभी कभी वैसे वजह ढूंढना भी झगड़े की एक सॉल्यूशन को हेल्प करता है, यहाँ पर इसका मतलब लिखा है रिजोल्यूशन फोकस, वो रिजल्ट पर फोकस करना होता है। तो हम लोग एक एक करके तीन को देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए, आपको कोई भी एक पूछा जा सकता है अगर इस चैप्टर से शॉर्ट नोट्स आए तो। द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वॉज दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल काइंड वर बैड एंड हार्मफुल, जैसे कि मैं आपको कहा ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ऑब्वियसली ट्रेडिशनल चीज़ों को नेगेटिव अप्रोच से जुड़ा आता है यहाँ पे।
मतलब आपके पूरे साइकोलॉजी में. कॉन्फ्लिक्ट वॉज समथिंग नेगेटिव एंड वॉज एसोसिएटेड विद वॉयलेंस, डिस्ट्रक्शन एंड इरेशनलिटी. इट वॉज अ साइन ऑफ माल फंक्शनिंग इन द ग्रुप एंड हैंस मस्ट बी अवॉइडेड. मतलब जो कि मैं आपको कहा, एक सिंपल चीज़, जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जाओगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्या बताना है, अगर पहला एक पैसेज लिख रहे हो ठीक है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखता है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, जिसके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक नेगेटिविटी, वॉयलेंस, डिस्ट्रक्शन, काम को बिगाड़ने वाला, और बहुत सारे अगर कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी काम को रोकेगा. टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है, गोल्स ढंग से अचीव नहीं होंगे. ठीक, आफ्टर दैट आप बता सकते हो कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वॉज दैट कॉन्फ्लिक्ट वॉज डिसफंक्शनल. डिसफंक्शनल मतलब जो आपका फंक्शनल हो रहा है, जो आपका काम पूरा ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसे रोक देगा, ऐसा होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, और इसके आउटकम्स क्या होंगे, पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन बराबर से नहीं होगा, लैक ऑफ ट्रस्ट, ओपननेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये आपको कहा, लोग अपने आप पर एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि वर्क टीम में भरोसा और एक कॉपरेटिवनेस होना चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वही नहीं होगा तो ऑब्वियसली काम तो रुकेगा. ठीक, एंड द थर्ड थिंग इज फेलियर, फेलियर ऑफ द मैनेजर टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पिरेशनल ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब कि हो सकता है कि एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ही नहीं होती, ये आप याद रखेगा. ठीक है, ट्रस्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, एक वो बॉन्डिंग नहीं है ना, तो फिर कभी भी मैनेजर उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, विच विल एक्चुअली इफेक्ट देयर इफिशियंसी. ठीक है, एम्प्लॉयज को लगेगा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, जैसा बिहेव होना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, हमारी जो कदर होनी चाहिए, कुछ नहीं होता, ये कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम होता है. तो ये तो एक ट्रेडिशनल व्यू हो गया, फुल्ली नेगेटिव था. आपको किस तरह एक्सप्लेन करना मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है, जैसे मैं किताब की रीडिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा. ठीक है, सेकेंड है इंटरैक्शनिस्ट व्यू पॉइंट. तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है ये, कि इनके हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि उसे इंकरेज भी करना चाहिए. ठीक है, मतलब कभी कभी झगड़ा सिर्फ अच्छा देखने में ही नहीं, उसे बढ़ाओ भी. अब ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, इट लुक दैट कॉन्फ्लिक्ट एज अ पॉजिटिव फोर्स, मैंने आपको जैसे कहा एक पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर मानते हैं, दैट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म बेटर. ठीक है, मतलब कि कभी कभी लोग, चल मैं तुझे दिखाता हूँ करके, ठीक है, वो वाली एक थिंकिंग लेके भी चलते हैं. ठीक है, तो जिसमें वो लोग अपना काम करके ही रहते हैं, उल्टा ज़्यादा इफिशेंसी से, ज़्यादा इफेक्टिवनेस से, ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाते हैं. मतलब किसी से आपकी शर्त लगी है, या फिर आपको किसी को नीचा दिखाना है, ठीक है, आपकी और उसकी बनती नहीं, तो आप अपना काम इतना बेहतरीन करो कि आप उसे नीचा दिखा के ही देखो. ठीक है, आपका जिससे झगड़ा हुआ है आप बोलो कि अब मैं झगड़े में भी जीता हूँ और यहाँ पे मैं जीता हूँ, वो वाली थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट व्यू पॉइंट द एबसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेक्स ग्रुप्स टैंगेट लेथरिजिक एंड नॉन रिस्पॉन्सिव टू नीड फॉर चेंज एंड इनोवेशन. मतलब कि किसी को जो जैसा हो रहा है वैसा होने दो, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ. ठीक है, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो टेक्निक्स हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट, तो कुछ नया करने की चाहत कहाँ से आएगी, कुछ बदलाव की शुरुआत कैसे होगी, ये पॉजिटिव अप्रोच बताया जा रहा है. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इस सब चीज़ों को दिखाता है कि भाई डिससेटिस्फाई है हम लोग, हमको प्रॉब्लम है कि भाई कंपनी ऐसा काम करते, हमको ये सब जमता नहीं है, वैसे वाली प्रॉब्लम. Hence, leader must ensure that there is some minimum level of ongoing conflict in the group so that the group remains creative, self-critical and vibrant. मैंने आपको कहा कि आप ग्रुप में छोटे मोटे अनबार होने चाहिए, जिससे कि अच्छे रिजल्ट आए, क्रिएटिवनेस आए, इनोवेशन आए, सेल्फ मोटिवेटेड रहे लोग अपना काम करने के लिए. ठीक है, और इंटरेक्शन व्यू पॉइंट डिड नॉट व्यू ऑल कॉन्फ्लिक्ट एज गुड. ये भी नहीं कि सारे झगड़े अच्छे होते हैं, वो इन सभी झगड़ों को दो टाइप में बांटते हैं. कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो फंक्शनल होते हैं, जो फंक्शन में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जो काम हो रहा है उसमें उसे इम्प्रूव करते हैं, और कुछ होते हैं डिसफंक्शनल, जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं और काम को ख़राब करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिसफंक्शनल के तीन टाइप्स है. तो आप इंटरेक्शन में पॉजिटिव अप्रोच, इसके दो टाइप होते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. और जो कॉन्फ्लिक्ट के तीन टाइप्स हैं, ठीक है, वह कि
कॉन्फ्लिक्ट इन तीन तरीके से हो सकता है, मोस्टली होता है, ठीक है। दैट इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट, किसी को अपने दिए हुए काम से प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, द फोकस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट आर यूजली डिसफंक्शनल, दिस इज बिकॉज द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट देर आर हॉस्टेलिटीज एंड पर्सनैलिटी क्लैशेज, मतलब लोगों की आपस में बनती नहीं, टीम मेंबर्स के बनती नहीं। तो ये जो रिश्तों की बात आती है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, और रिश्तों में पड़ी हुई दरार कभी भी अच्छी तो होती नहीं, इसलिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी गई, फिल्मी है बट रियल है, कि ये लोग यूजली डिसफंक्शनल होते, मतलब काम बिगाड़ते ही है ऐसे टाइप की कॉन्फ्लिक्ट। एंड थर्ड वन इज आपका प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो प्रोसेस है आपका, आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी टीम का, उससे आप सेटिस्फाइंग तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसा आप तीन टाइम इंटरेक्शन में बता, मतलब इंटरनेशनल अगर शॉर्ट नोट है तो अच्छा खासा कंटेंट लिख सकते हैं। थर्ड है दैट इज रिसोल्यूशन फोकस, जो कि इंटरेक्शन को गलत साबित करेगा यहाँ पे, कि कॉन्फ्लिक्ट कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, इंटरेक्शन व्यू पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वॉज इनिशियली वाइडली सपोर्टेड, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सपोर्ट करता, बट बाद में एक क्वेश्चन आया कि क्या इसे इंकरेज करना भी चाहिए, मतलब चलो ठीक है भाई हुआ कॉन्फ्लिक्ट, शायद ये सब चीज़ें सुधर भी जाए, बट क्या एज अ इंडिविजुअल आपको झगड़े को, बुरी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, उसके कुछ रीज़न लिखे गए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कैसा भी हो, कितना भी हो, कभी प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैनेजर को उसे ही सॉल्व करने में उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लोगों को हर्ट होता है, ठीक है, लोगों में गुस्सा होता है, तो ये सब लोगों में रह जाता है कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद भी। और कुछ कुछ लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैटेगराइज भी नहीं कर पाते, ये कैटेगराइज का पॉइंट आ गया, पीपल गेट हर्ट, एंगर होता है लोगों में, नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट कॉज स्ट्रेस एंड मेक पीपल क्लोज वाइड एंड कॉन्फ्रेंशल इन दर अप्रोच, स्ट्रेस होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंशनल होता है अप्रोच में, ठीक है, रिड्यूस करता है ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। तो ये सब आप बता सकते हो कि इंटरेक्शन पॉइंट किस तरीके से, मतलब ज़्यादा हद तक सही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट का ये सब आउटकम आप बता के, और इसे सॉल्व करने के लिए जो रिजोल्यूशन पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखा गया, लोगों को बोलो कॉन्फ्लिक्ट होगा भाई प्रिपेयर, ठीक है, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, ओपन डिस्कशन करो, ठीक है, कि लोगों में आपस के मतभेद ना हो, सब साथ में बैठ के बताओ क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस से प्रॉब्लम है, लोगों से प्रॉब्लम है, प्रोसेस से प्रॉब्लम है, अपने टीम के लोगों से प्रॉब्लम है, कस्टमर से प्रॉब्लम, किससे प्रॉब्लम, वैसा एक डिस्कशन करो। तो ये एक तरह की आप रिजोल्यूशन बता सकते हो कि पहले कॉन्फ्लिक्ट का आउटकम्स क्या होता है, यहाँ पे पूरा लिखा गया, एंड देन रिजोल्यूशन के तीन चार पॉइंट आप सबसे बता सकते हो। तो ये हो गया आपका इंटरेक्शन सॉरी व्यू पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, मे बी अगर मेन क्वेश्चन पूछा तीनों साथ में भी आ सकते हैं, आई डोंट नो, बट पढ़ लीजिएगा एक बार। तो यहाँ तक तो हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट का एक लास्ट चीज़ बचा, जो कि बहुत लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट नोट्स के लिए मेरे हिसाब से इसे पूछा जाना चाहिए, अगर लॉन्ग आंसर के लिए पूछा गया तो 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन अकेले बन सकता है, क्योंकि इतने सारे कंटेंट इसके अंदर है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।